प्रोटोकॉल्स की वजह से संग्रहालय में नए तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। म्यूजियम्स में डिजिटाइजेशन पर ही फोकस बढ़ा है। आप सब जानते हैं कि 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ किसी स्थानीय म्यूजियम को देखने जाएं। आप अपना अनुभव #म्यूजियम मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संग्रहालयों को लेकर जिज्ञासा जगेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने जीवन में बहुत से संकल्प लेते होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम भी करते होंगे साथियों। लेकिन हाल ही में मुझे ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था। इसलिए मैंने सोचा इसे मन की बात के श्रोताओं को जरूर शेयर करूं। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा। है ना ये दिलचस्प संकल्प। दिल्ली की दो बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस वे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। UPI QR कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि UPI का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तमाम तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब UPI से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें, जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम UPI तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग UPI से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी UPI की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए, कैश ले जाने का, बैंक जाने का, ATM खोजने का झंझट ही खत्म है। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो UPI ट्रांजेक्शन करीब 10,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बढ़ रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी आगे बढ़ रहे हैं।
मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है, ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स एकेडमीज और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती है ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियां होती हैं, उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं, उनकी टैलेंट को जानते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। जो दिव्यांग साथी हैं, वो भी इस तरह के प्रयासों से जरूर जुड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई ये गर्मी